हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी वर्तमान में हमारे एमपी आदरणीय सुरेश कश्यप जी इस रैली के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सिकंदर जी जो राज्यसभा के सांसद भी हैं मैं आपको पीछे तक आवाज आ रही है क्या पीछे तक आवाज आ रही है जो ये रोड पे खड़े हैं इनको आवाज आ रही है पीछे जो पीछे खड़े हैं सड़क पे उनको आवाज आ रही है और इस मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र के मेरी मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों पत्रकार बंधुओं आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस विजय संकल्प रैली में हमें देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए मिलेगा। आप सब लोगों को पता है कि आने वाली 1 जून को लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान है और इस मतदान में हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री परम सदस्य नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब ने भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में मतदान करना है, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्ष से बने हैं आम व्यक्ति के लिए जो योजना बनी है उनसे आम व्यक्ति को लाभ हो रहा है, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब योजनाओं का आम व्यक्ति को लाभ मिला है। आज देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। मेरा सबसे आग्रह है, निवेदन है, आप सब भली भांति जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में सरकार चल रही है ये हिमाचल प्रदेश के विकास की विरोधी सरकार है, ये हिमाचल प्रदेश का विकास नहीं चाहती। इन्होंने विकास जो है बिल्कुल 18 महीने में रोक दिया, विकास के काम रोक दिए। आज इस सरकार में इतना इसमें अंतर्कलह है, ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। जब देश में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इनके विधायक भी खुश नहीं। आप सबको पता है राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा में जो इन्होंने यहां से प्रत्याशी दिया कांग्रेस ने वो राम विरोधी प्रत्याशी था, वो प्रत्याशी था जो जिसने एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि रामलला का कोई अस्तित्व नहीं था, काल्पनिक थे, उनका कोई जन्म स्थान नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो वाटर सेस लगाया था ताकि हिमाचल प्रदेश की इनकम बढ़े, उसके खिलाफ ये जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ, हिमाचल प्रदेश की सरकार वो केस हार गई। इसलिए जो मुख्यमंत्री 40
प्लस तीन विधायकों के साथ राज्यसभा का सांसद नहीं बना सकता, उनको संभाल कर नहीं रख सकता, वो हिमाचल प्रदेश के 72 लाख लोगों को संभाल कर नहीं रख सकता। इसलिए ये सरकार जाने वाली सरकार है, ये विकास की विरोधी सरकार है, ये आप इसमें अंतर कला से सरकार गिरने वाली है। हम सब ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। मैं 2-3 नारे कहूंगा, आपने जोर से बोलना है। अब की बार हिमाचल में सुरेश कश्यप, जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद एवं हमारे लोकसभा के दूसरी बार प्रत्याशी आदरणीय सुरेश कश्यप जी से, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुरेश कश्यप जी को जय श्री राम, कश्यप जी को जय श्री राम, कश्यप जी तुम आगे बढ़ो। आदरणीय सुरेश कश्यप जी, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है भाई। मोदी जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। आप सबको भी जय श्री राम। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहां नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में पधार रहे हैं। और इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और इस रैली के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर स्कंदर जी, हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री और इस पार्लियामेंट के प्रभारी चौधरी सुखराम जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी, सम्माननीय विधायक श्री केएल ठाकुर जी मंच का संचालन कर रही और सम्माननीय विधायिका श्रीमती रीना कश्यप जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी
वरिष्ठ नेतागण आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रीमती रश्मिधर सूद जी जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वंदना योगी जी, पूर्व में विधायक भाई बलदेव तोमर जी, भाई परमजीत सिंह पम्मी जी, भाई लक्ष्मींदर राणा जी, यहाँ हमारे 2022 के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, आदरणीय चेतन ब्राटा जी, आदरणीय संजय सूद जी, आदरणीय श्रीमती शशि बाला जी, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय डोगरा जी, जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विनय गुप्ता जी, आदरणीय प्रेम ठाकुर जी, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष रतन पाल जी, अरुण फाल्टा जी, आदरणीय अजय श्याम जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजीव देशा जी, प्रदेश में सचिव आदरणीय श्रीमती डेजी ठाकुर जी, हमारी जिला की अध्यक्ष और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सीमा कन्याल जी, हमारे स्थानीय मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रताप ठाकुर जी, और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे देश देश कार्यकर्ता भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका आज ऐतिहासिक दिन के अवसर पर और जिस भारी संख्या में आप लोग यहां पर पधारे हैं मैं देख रहा हूं, पीछे लाइन लगातार लगी हुई है, स्टेडियम भी पूरा, ये मैदान भी पूरा खचाखच भर चुका है, आप लंबा सफर तय करके यहां पर पधारे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके लिए शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए ये ऐतिहासिक दिन है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन हमको मिलने वाला है, और हम जानते हैं कि आज आदरणीय मोदी जी जिनके नेतृत्व में देश ने एक लंबी छलांग लगाई है, देश आज आगे बढ़ा है, देश आज मजबूत हुआ है, देश ने तरक्की की है, देश ने उन्नति की है, ऐसे व्यक्ति आज यहाँ नाहन में पधार रहे हैं, और इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये यहाँ का पहला दौरा है, नाहन का पहला दौरा है, जब वो हमारे प्रभारी थे उनका कई बार नाहन आना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश और जिस प्रकार की खुशी आज कार्यकर्ताओं के अंदर है, निश्चित रूप से चुनाव में भी हमको इसका लाभ मिलने वाला है, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं 10 वर्षों के दौरान, देश ही नहीं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन उन्होंने किया है, आज हमें बड़ी खुशी होती है जब दुनिया के बड़े बड़े देश भी मोदी जी को अपने देश में ले जाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश की तकदीर बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम इन 10 सालों में हुए हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, निरंतर घोटाले होते थे, प्रतिदिन घोटाला होता था, लेकिन 2014 के बाद विकास होता है, आज देश आगे बढ़ता है, देश उन्नति करता है, हमारा देश आज जिस प्रकार से
हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज हम पहला ऐसा देश बने हैं जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव के ऊपर अपना उपग्रह भेजा। ऐतिहासिक काम हमने किया, हमने सूर्यान को भी भेजा। और यही नहीं है, हमारे देश ने जिस प्रकार से G20 का आयोजन करके पूरी दुनिया को बता दिया कि क्यों हमारे देश हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहा जाता था, क्यों मेरा देश सोने की चिड़िया था, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की सभ्यता खान पान क्या है, पूरी दुनिया को यह बताने का काम माननीय मोदी जी ने किया। ऐतिहासिक काम हुए। 10 वर्षों के दौरान वो जनधन से शुरुआत करके किस प्रकार से माननीय मोदी जी ने आज अनेकों योजनाएं इस देश में प्रारंभ हुई, अनेकों योजनाएं इस देश में लागू की। आज एक भी व्यक्ति इस देश का ऐसा नहीं है जिनको मोदी जी की किसी ना किसी योजना का फायदा नहीं हुआ हो। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2028 तक जारी रहेगा। जिस काम को दुनिया का कोई देश नहीं कर सका वो मोदी जी ने करके दिखाया। जिसके पास घर नहीं था उसको घर देने का काम हुआ। घर में बिजली, पानी, शौचालय, घर घर में गैस देने का काम किया। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा 50 करोड़ लोगों को देना दुनिया में अमेरिका जैसा देश भी नहीं कर सकता, ना कर पाया, मोदी जी ने करके दिखाया है। किसान सम्मान निधि किसानों को देना, पहली बार इस देश के किसानों के बारे में किसने सोचा? नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। ऐसी ऐसी योजना लेकर आए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है तो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो ऐतिहासिक काम हुए हैं जिसका साक्षी मुझे भी बनने का मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद से मिला, उन ऐतिहासिक कामों में अगर हम बात करें, महिलाएं जो हमारे समाज का 50% है उनके लिए संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हमारी माई बहनों को उनके अधिकार देने का काम हुआ है, धारा 370 35 ए को समाप्त किया गया। आप जानते हैं क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तानी उग्रवादी हमारे फौजियों के सिर काट कर ले जाते थे, प्रतिदिन उग्रवादी घटनाएं होती थी, बम विस्फोट होते थे, लेकिन धारा 370 समाप्त हुई। आज किसी की हिम्मत नहीं है जम्मू कश्मीर की ओर आंख उठाकर देख सके। आज जो है धारा 370 को समाप्त किया गया। इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान का जो प्रचलन चला हुआ था उसको समाप्त किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया गया। आज कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसको भी किसी ने साकार किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आभारी हूं आप सबका। जब ये बिल पास हो रहे थे तो मैं भी आपके आशीर्वाद से संसद के अंदर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था, आपका जो है उस बिल के दौरान आपकी हाजिरी में वहां पर लगा रहा था। किसी प्रकार से 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों के लिए जो अभिशाप था उसको भी सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। और अयोध्या में राम मंदिर का विषय जो पिछले 500 सालों से चला रहा था, लगातार उसके लिए संघर्ष हो रहा था, वो दिन भी तभी आया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि इससे पहले भी सरकारें थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही,
लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। वो तो राम का भी विरोध करते, वो तो कहते हैं कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम तो काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा भी दिया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया मात्र 3 साल की अवधि में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बना। सभी धर्मों ने, सभी संप्रदाय ने इसका स्वागत किया और मैं समझता हूँ हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है हम उस दिन को देख पाए जब 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। ऐसे अनेको काम, ऐसे ऐतिहासिक काम इन दस वर्षों में माननीय मोदी जी ने किए। आज देश आगे बढ़ा है, देश एक आर्थिक महाशक्ति बना है, देश जो है सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के अंदर हम आगे बढ़ने वाला देश, तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बने हैं। हम सशक्त देश बने हैं, हम मजबूत राष्ट्र बने हैं और ये तभी संभव हो पाया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। एक समय वो भी था जब कभी पाकिस्तान हमको आंखें दिखाता था, कभी चीन हमारी सीमा में घुस जाता था, लेकिन आपके ध्यान में है जब उरी का हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब पुलवामा हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक की। आज सेना को खुली छूट अगर किसने दी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आज अगर गोली चलती है तो गोले से जवाब दिया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की ओर आंख उठाकर देख सके। आज ये बात स्पष्ट है कि माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश का आगे बढ़ा है, वहीं देश मजबूत भी हुआ है। गलवान की घटना आपके ध्यान में है, जब चीन हमारे सीमाओं में घुस गया था, हमारे सैनिकों ने उसको पीछे खदेड़ा। 4 दर्जन से ज्यादा उसके सैनिकों को जो है मौत की नींद सुला दिया और इतिहास में पहली बार हुआ कि चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया हमारी सेनाओं ने किया, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व आज है। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, एक सशक्त नेतृत्व जिसकी जरूरत इस देश को थी, आज ऐसा ही नेतृत्व हमारे पास है और हम फिर से मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रदेश की सरकार की हालात आपको ध्यान में ही है, ठगों की सरकार, जो ठगों को जिन्होंने 10-10 झूठी गारंटियां देकर प्रदेश की जनता को ठगा और एक भी गारंटी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। आज चाहे हमारी बहनें हैं जो 1500 का इंतजार कर रही हैं, चाहे हमारे युवा हैं जो 1 लाख सरकारी और 1 लाख सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं, हमारे किसान हैं जो दूध और गोबर खरीदने का इंतजार में हैं, हमारे बागवान जो सेब का मूल्य का कब उनको तय करने का मौका मिलेगा उसके इंतजार में हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली भी नहीं मिल पाई और ये सरकार पूर्ण रूपेण फेल हो गई है। लेकिन आज तो हमको इस सरकार को भी उखाड़ कर फेंकना है और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, 1 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, सभी लोग मेहनत करेंगे। 4-5 दिन का हमारे पास समय बचा है इस देश के खातिर, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को और उन्नत बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हमको नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पर आप उमड़े हैं, ऐसा ही आशीर्वाद 1 तारीख को भी मिले। और पिछली बार इस सीट को हमने 3,27,000 से जीता था, आप लोगों के आशीर्वाद से भरपूर आपका स्नेह प्यारो आशीर्वाद मुझे मिला था, 1 तारीख को भी उसी प्रकार का आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसा निवेदन करते हुए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ। और यही निवेदन करते हुए कि आज से हम जो ऊर्जा लेकर जाएंगे उसको वोट में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय हिमाचल, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी को, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जय श्री राम। हाँ भाई, जोर से एक मिनट। मेरे पीछे नारा लगाएंगे, चार नारे याद रखें। माननीय मोदी जी मंच पर आने वाले हैं और जब माननीय मोदी जी आएंगे तो यही नारे लगेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। सभी को ध्यान रखना है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। और एक कम से कम 25,000 लोग इस हॉल में हैं। आप यहां से नारा लगाएंगे तो दिल्ली पहुंचेगा, फिर एक बार। जरा कैमरे पीछे करिए, दोनों हाथ ऊपर आ रहे हैं, फोटोएं आपकी आ रही हैं, फिर एक बार। एक जबरदस्त और कैमरा, फिर एक बार। अब की बार। मैं बोलूंगा सुरेश कश्यप, आप बोलेंगे दूसरी बार। सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। अब ये नारे मैंने बता दिए, माननीय मोदी जी आएंगे फिर मैं ये नारे लगाऊंगा और उसी समय मोदी जी मंच पर बोलने आएंगे। मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, और 1 तारीख को आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से 4 तारीख को दूसरी बार सांसद बनने वाले भाई सुरेश कश्यप जी, जरा एक बार सीटियां बजा करके वेलकम करिए। हमारे रैली के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद, चलिए भाई जरा हाथ हिलाइए जोर से, जबरदस्त सीटियां। चलो बोलिए भारत माता की। बस भैया, भारत माता की। माननीय डॉक्टर सिकंदर जी, आदरणीय चौधरी सुखराम जी, भाई बलबीर वर्मा जी, डॉक्टर सहजल जी, केएल ठाकुर जी, हमारी बहन रश्मि जी, बहन देवी जी, महिला मोर्चा की बहन अध्यक्षा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री विनय गुप्ता जी, रीना कश्यप जी, अब नाम तो लेता जाऊंगा पर अब मंच पर विराजमान मेरे सभी नेतागण और इस हॉल में विराजमान भारतीय जनता पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र का संपूर्ण नेतृत्व। आप हजारों की संख्या में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। आपको मजेदार बात सुनाता हूं, सुनिए। इस हॉल में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, इससे 2 गुने भाई बहन नाहन से लेकर खजूरना पुल तक, नाहन से लेकर दुसड़का तक कम से कम 20,000 लोग सड़कों पर हैं।
और उन 20,000 लोगों के लिए तालियां तो बनती है। तो एक बार फिर बोलिए, फिर एक बार एक ध्यान रखना है, हाथ ऐसे नहीं करना, मुट्ठी बंद करनी है, कटा हुआ हाथ नहीं दिखाना है, इस बार कटे हुए हाथ की छुट्टी कर देनी है। फिर एक बार साथियों, मेरा सवाल है, मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनानी है तो आज ये ऐतिहासिक चौगान मैदान इस बात का साक्षी है कि शिमला संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए नर नारी भाई बहन आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाने वाले हैं, माँ रेणुका की धरती से, भगवान परशुराम की धरती से, माता बाला सुंदरी की धरती से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती से और हमारे जगन्नाथ भगवान की धरती से आप यहाँ संकल्प लेकर के जाएंगे। आज 24 तारीख है, अगले 7 दिन तक हम घर घर में जाएंगे और मोदी जी के नाम की अलख जगाएंगे। साथियों याद करिए, कांग्रेस का राज, वो कांग्रेस का राज 2004 से लेकर 14 का राज, घोटालों का राज कांग्रेस का राज, 2G घोटाला कांग्रेस का राज, 3G घोटाला कांग्रेस का राज, हेलीकॉप्टर घोटाला कांग्रेस का राज, जमीन घोटाला कांग्रेस का राज, खेल घोटाला कांग्रेस का राज, घोटाले में घोटाला कांग्रेस का राज, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले 2004 से 14 के बीच में हुए और 14 में एक महान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। 10 साल में देश में घोटालों को खत्म कर दिया, ऐसे मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। घोटाले वालों को भगाना है। अरे कांग्रेस ने भारत को कैसा राज दिया, जगह जगह पत्थरबाजी होती थी, कश्मीर के लाल चौक पे या फिर मध्य प्रदेश में या दिल्ली की चांदनी चौक में, जहां जिसका दिल आता था पत्थरबाजी करता था, जहां जिसका दिल आता था कांग्रेस के राज में बम फोड़ देता था, जहां जिसका दिल आता था आतंकवादी फायरिंग हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार आतंकवाद के आगे घुटने टेक कर बैठी थी। मोदी जी आए, पत्थरबाजी का राज खत्म हो गया, विकास का राज शुरू हो गया। आतंकवादियों की शरण स्थली कांग्रेस का राज था। याद करिए, हमारा एक कर्नल, उसको जीप से बांधा गया कश्मीर की सड़क पर, उसके ऊपर पत्थरबाजी की, मिलिट्री के सैनिक देखते रहे, कांग्रेस ने इजाजत नहीं दी, आतंकवाद को पनपने दो, कोई गोली नहीं चलाएगा। मोदी ने कहा कोई आंख उठा करके देखे
100 गोलियां उसके सीने में उतार दो, एक आतंकवादी नहीं बचना चाहिए। ये मोदी का राज है, कांग्रेस के राज में आतंकवादी फलते थे फूलते थे, मोदी के राज में आतंकवादी समाप्त होते हैं। जरा आंख तो उठा करके देखो तो गोलियां सीना चीर देती हैं। याद है अभिनंदन पाकिस्तान में घुस के मारा हमारा कैप्टन अभिनंदन, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया, बहुत शोर मचाया, कांग्रेसियों ने भी मचाया, पर मोदी ने कहा ये मोदी का अभिनंदन है। अरे पाकिस्तान तेरे में हिम्मत है, 24 घंटे से ज्यादा संभाल के देख ले, मैं लाहौर तक तेरी छुट्टी कर दूंगा। और 24 घंटे में अभिनंदन भारत में आया और उसका अभिनंदन हुआ। साथियों ये मोदी है, कतर में जाता है, भारत के नौ सैनिक उनको मृत्यु दंड होता है, हमारे लोगों को मृत्यु दंड देने की दुस्साहस किसने किया। मोदी जी जाते हैं अपने साथ सारों को उड़ा करके भारत लेकर के आते हैं। ये मोदी है तो मेरा देश है। साथियों याद करिए, रूस और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी, बमबारी हुई। अरे मेरे पीछे लगाना नारे, आप नारे मत लगाइए, मोदी जी आने वाले हैं, इधर से आएंगे, मेरे पीछे से आएंगे, इधर देखिए अभी आने वाले हैं। रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई, भारत के 30,000 बच्चे वहां पर थे। मोदी ने कहा रूस आप युद्धबंदी करो, यूक्रेन आप युद्धबंदी करो, मेरे भारत के बच्चे हैं, एक एक सुरक्षित निकलना चाहिए। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कहीं युद्धबंदी हुई, 30,000 युवा तिरंगा लेकर के भारत पहुंचे, ये मोदी है। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भाई डरपोक सरकार चाहिए या ताकतवर चाहिए? डरपोक सरकार चाहिए या ताकतवर चाहिए? अरे क्या बोलते हैं कांग्रेसी, कांग्रेस के नेता बोलते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, और बोलते हैं पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, और इनके इंडी गठबंधन वाले बोलते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तो मोदी जी ने क्या कहा? अरे पाकिस्तान को चूड़ियां भी पहना देंगे, ये पाकिस्तान को। कांग्रेस का एक भी षड्यंत्र चलने नहीं देंगे। भारत को एटॉमिक शक्ति बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, बनाया 11 मई 1998 को बनाया, भारत एटॉमिक शक्ति बना। कांग्रेस भारत से एटॉमिक शक्ति छीनना चाहता है, दुनिया के आगे देश को सरेंडर करना चाहता है, ऐसे कांग्रेसी चलेंगे क्या? ऐसे कांग्रेसियों को नहीं चलने देना है। भारत किसके हाथ में सौंपना है? साथियों याद करो 500 साल पहले श्री राम जन्मस्थान पर भव्य मंदिर था, उसे मुगलों ने तोड़ दिया। 500 साल तक संतों ने,
मनीषियों ने, त्यागियों ने, तपस्वियों ने बलिदान दिए, दोबारा मंदिर बनाने के लिए प्रयास किया। लाखों लाखों लोग कार सेवा करने गए, कितने मृत्यु को प्राप्त हुए, कितने सरयों में बहा दिए गए, परंतु कांग्रेस ने 70 साल आजादी के और वो श्री राम मंदिर नहीं बनने दिया। इन्होंने कहा राम का अस्तित्व नहीं है, राम कपोल कल्पित है, राम केवल गाथा है, राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, राम का जन्म स्थान अयोध्या नहीं है। ये कांग्रेस ने कहा, हमारे आराध्य का अपमान किया, वो हमारे घट घट में राम, पैदा होते श्री राम, घर के शुभ कार्य में श्री राम, और जब चार भाई कंधे पर लेकर के जाते हैं तब भी श्री राम, ऐसे श्री राम जन्म का और मंदिर ना बनाने वाले राम के दोषी है और ऐसे बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता साफ किया और राम मंदिर की स्थापना, भव्य स्थापना की। ऐसे महान आदमी जिसने 500 साल के संघर्ष के बाद हमारे आराध्य देव का मंदिर बनवाया, ऐसे मोदी जी को जय जय श्री राम। जो श्रद्धा भक्ति से दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाना है और कैमरे आपकी तरफ आ रहे हैं, बोलिए जय जय श्री राम। मंच वाले भी बोलेंगे जय जय श्री राम। अब बोलिए भाई मोदी जी आपको राम का मंदिर देते हैं, ऐसे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने हैं, बनाने हैं, बनाने हैं। साथियों, इतिहास बदला है। कांग्रेस ने केवल नेहरू गांधी परिवार का नाम भारत के साथ जोड़ दिया, वो लोग जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनको द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया। याद करिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत के ऊपर यानी अंग्रेजों के ऊपर सशस्त्र युद्ध किया, नेताजी को कभी सम्मान नहीं दिया, नेहरू जी को सम्मान दिया। मोदी जी ने नेताजी को दिल्ली के हाथ में स्थापित किया, ऐसे मोदी जी को शत शत प्रणाम करते हैं। साथियों, वीर सावरकर, दो दो आजीवन कारावास जिन्होंने आजादी के लिए झेले, उन वीर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाया जिन्हें इतिहास का पता नहीं है। वो सावरकर हमारे आपके दिलों में रहते हैं, मोदी जी ने उनको स्थान दिया। सेलुलर जेल का नाम और नेहरू सावरकर जी के नाम पर रखा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम हिमाचल के उन वीर बलिदानी सैनिकों के नाम पर रखा जिन्होंने बलिदान दिया। ऐसे मोदी जी को हम शत शत नमन करते हैं। साथियों, याद करिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिन्होंने भारत के लिए एकात्मता सूत्र लिखा, जिन्होंने आरक्षण दिया, ऐसे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न अटल जी अडवाणी जी ने, और जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तब दिलवाया, और मोदी जी ने अंबेडकर जी के पंच तीर्थों की स्थापना की। वो अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।
साथियों, 70 साल बाद सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना, 70 साल बाद वीर सावरकर को सम्मान, 70 साल के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान, 70 साल के बाद देश के उन वीरों को सम्मान और उनके सम्मान के अंदर दिल्ली के अंदर स्मारक की स्थापना। साथियों, ये मोदी जी के कारण हुआ है। ऐसे मोदी जी को हमको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे, बनाएंगे। तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे मोदी जी का 10 साल, गरीब कल्याण के 10 साल, कांग्रेस की सरकारें आई, गरीब कल्याण का नारा लगाया, गरीबी हटाओ का नारा लगाकर 400-500 सीटें ली। इंदिरा जी ने कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, ना गरीबी हटी ना महंगाई हटी। इनको सत्ता प्राप्त हो गई। मोदी जी ने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे ऊपर निकाला। ऐसे मोदी गरीब कल्याण के नेता। साथियों, 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाए और वो पक्के घर 4 करोड़ केवल देश में नहीं, मेरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 1,00,000 घर बनाए और अभी 21,000 घर तो आपदा के समय में मोदी जी ने गरीबों को दिए। साथियों, गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज, हिमाचल प्रदेश के भी लाखों लोगों को मिल रहा है। किसानों के लिए 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि हिमाचल के 12,00,000 किसानों को मिल रही है, देश के 11 करोड़ किसानों को मिल रही है। राजीव गांधी जी कहा करते थे, आप 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी ने क्या किया, 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपया प्रति खाता डालते हैं, 22,000 करोड़ एक बटन दबाते हैं किसान के खाते में जाते हैं। ऐसा मोदी जिसने भ्रष्टाचार को हटाया, उसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे, बनाएंगे। साथियों, हिमाचल के विकास की इबारत लिखी है मोदी जी ने। जाइए, टनल बन रही है, कीरतपुर से गाड़ी डालिए, मंडी की तरफ जाइए, 1 टनल 2 टनल 3 टनल 1 घंटे में आपकी गाड़ी मंडी पहुंचती है। पठानकोट से मंडी, कांगड़ा से शिमला, शिमला से और कालका, शिमला से ढली और पिंजौर से नालागढ़, ये 4 लेन बनने का काम चला है। टनल्स बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। आप जाके देखिए, शिमला ढली रोड के ऊपर देश के सबसे बड़े पुल बन रहे हैं, सबसे ऊंचे पुल बन रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने हिमाचल के विकास को, सड़कों के विकास को दिया है। बदलता हिमाचल मोदी की देन है। इसलिए बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, टॉपर आ गया, मोदी जी आ गए हैं, बजाइए सीटियां, बजाइए सीटियां। आपकी वाणी सुन रहे हैं मोदी जी। Come on.
जिसने बहनों के साथ बेईमानी की है, बेईमानी की है, ऐसी सरकार 22 में बेईमानी करी, 24 में फिर फार्म भरा रहे हैं। हमारी भोली भाली बहने उनको फिर फुसला रहे हैं। आपको घर घर में जाना है, उनको समझाना है, ये सरकार रहने वाली नहीं है, ये दूसरी बार काट की हांडी चढ़ा रहे हैं। चढ़ेगी क्या, चढ़ेगी क्या? ऐसी बेईमान सरकार हटानी है, हटानी है। अरे एक दिल्ली से बड़ी नेता आई थी, बड़ी जोर जोर की कहा 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, 1 लाख सरकारी नौकरी, 63,000 पद खाली है, 37,000 पद सृजित करेंगे पहली कैबिनेट में, 1 लाख नौकरियां देंगे। मेरे हिमाचल प्रदेश को 1 भी नौकरी नहीं मिली, नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया, और जो गरीब लोग आउटसोर्स में लगे थे उनको भी हटा दिया। ऐसी बेईमान सरकार चलेगी क्या? युवाओं से बेईमानी करने वाली सरकार चलेगी क्या? युवाओं से बेईमानी करने वाली सरकार चलेगी क्या? साथियों, कहा था 22 लाख बिजली के मीटर है, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बीजेपी सरकार ने, जयराम सरकार ने 125 यूनिट दी थी, इन्होंने वो भी बंद कर दी। आप सबके साथ बेईमानी करी, ऐसी बेईमान सरकार चलेगी क्या, चलेगी क्या? साथियों, किसानों के साथ बेईमानी, 100 रुपए लीटर दूध। मैंने पूछा अपने गुजर भाइयों से क्या रेट बिक रहा है, बोले आजकल 40 भी नहीं बिकता है। तो ये सुखू सरकार नहीं, दुखू सरकार है, ये दुखू सरकार चलेगी क्या, चलेगी क्या? तो फिर क्या करना है? मोदी जी को वोट देना है, देना है, देना है, और वोट दिलवाना भी है, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने पड़ोस का वोट दिलवाना है, दिलवाना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बनाना है। तो बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मजा नहीं आया? लो जी लो, चल पड़े हेलीपैड से और पहुंच रहे हैं। जरा एक बार ताली तो बनती है, मोदी जी के लिए ताली तो बनती है। और वो हजारों की भीड़ आपकी ताली को सुनना चाहती है, जो सड़कों पर धूप में है। आप शानदार इस जर्मन हैंगर के अंदर है। एक बार फिर बोलिए, फिर एक बार, दोनों मुट्ठी बंद करिए, फिर एक बार। सुरेश कश्यप दूसरी बार, सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। हिमाचल में चार की चार, हिमाचल में, हिमाचल में। वो पैवेलियन वाले भी बोलेंगे और ये भी बोलेंगे, हिमाचल में, हिमाचल में। भारत माता की। अब हम इंतजार करेंगे और मोदी जी के गाने सुनेंगे। धन्यवाद। Oh,
करो 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 से लड़ो लड़ो आगे तुम करो करो Jai Shri Ram.
स्वागत है भाई, स्वागत है। भरो 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 करो Bobby!
तारीफ करो 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 वक्त से लड़ो करो स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है
मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय सुखराम चौधरी जी का, आदरणीय बलदेव वर्मा जी का, आदरणीय के एल ठाकुर जी का, आदरणीय विनय गुप्ता जी का, आदरणीय रतन पाल ठाकुर जी का, आदरणीय अमित पांडा जी का, सुरेश भारद्वाज जी का, वो आए मोदी जी का सम्मान मेरा निवेदन रहेगा माननीय पटेल के अध्यक्ष जी से वो आए बोलिए भारत माता की फिर एक बार फिर एक बार वो महलात की घाटी वाले भी फिर एक बार अब की बार अब की बार हिमाचल में सुरेश कश्यप विश्व के महान नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सत्य नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सीधा सीधा उनसे विनती करूंगा कि वो हम आप सबको संबोधित करें। बोलिए मोदी जी को जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सौभी के मेरी ढाल, सौभी के राम राम। माँ बाला सुंदरी, रेणुका माँ और परशुराम के धरते महर्षि जमदग्नि के तपोस्थले सुरेश्वर महादेव शिरगुण देवता महासु देवता की पुण्य धरा गुरु गोविंद जी ने धरते पांडी आए के मुखे बहुत बहुत खुशी है तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आप ये तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लग रहा है कि अपने घर आया हूं। मेरे लिए नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज का माहौल नया है। मैं यहां संगठन का काम करता था, आप लोगों के बीच में रहता था, चुनाव भी लड़वाता था, लेकिन यहां सिरमौर में इतनी बड़ी रैली मैं खुद कभी नहीं कर पाया। पार्टी की मीटिंगें लेता था, सबको समझाता था। मुझे लगता है शायद यहां के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर
शायद इससे दोगुना लोग रोड पर खड़े हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब सिरमौर आए तो हमारे स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी, उनके घर में हमारी बैठकें हुआ करती थी, हमारे चंद्रमोहन ठाकुर जी, बलदेव भंडारी जी, हमारे जगत सिंह नेगी जी, ढेर सारे कार्यकर्ताओं की याद, अनेक अच्छे अनुभव मेरे लिए एक प्रकार से यादों की अमानत है। और सभी के घरों से अस्कली, पटांदे, और सिरकू, और यहां एक होटल ब्लैक मैंगो हुआ करता था, होटल ब्लैक मैंगो है? हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठकें ज्यादातर वहीं पर हुआ करती थी। और जब देश मोदी को जानता नहीं था तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है, क्योंकि वो शिमला में पढ़े थे। और अभी जो आपने मुझे लोहिया पहना है ना, वो उन्होंने यहीं से जाकर के अफगानिस्तान में थोड़ा फैशन डिजाइन करके उन्होंने उसका अपना पहरवेश बना दिया है जी। यानी यही हिमाचल की ताकत है कि जो इतना लगाव रखती है। साथियों, आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और मुझे आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा और हम तो देवभूमि के लोग हैं,
हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी, ये हिमाचल में पक्का है। मेरे साथ बोलिए फिर एक बार। साथियों, हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता, लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डर को सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने चार दशक तक फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया, और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया, हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी, और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे
प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं वन रैंक वन पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करें। तो उन्होंने रातों रात अफरा तफरी में बजट में कहा हम भी वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, नहीं किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा और बच्चा सो जाए, ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लगाया, 1,25,00,000 करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1,25,00,000 करोड़। ये 500 करोड़ मजाक ठाक नहीं था, मजाक ठाक नहीं था। फौजियों की बेइज्जती करने का इरादा ठाक नहीं था, फौजियों का अपमान ठाक नहीं था। और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला, कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं, उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, 21 बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला? क्या मिला? क्या किसी के घर में आया? क्या कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला? क्या जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत, मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियां मिलनी थी ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। इस तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 30 साल से आपके बीच रहा हूं और शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जब मैंने हिमाचल आकर के इस मिट्टी को माथे पर न चढ़ाया हो। गुजरात में रहा, मुख्यमंत्री रहा, आपसे कुछ मांगा नहीं था,
लेकिन आपका प्यार, आपके आशीर्वाद को कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे पर आपका कर्ज है और मैं हर मौके की तलाश में होता हूं कि मैं हिमाचल का कर्ज कैसे उतारूं। भाई और बहनों, कांग्रेस और एनडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग, तीन चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले उनके साथी, तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था। मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ। और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया। ये होता है प्यार, जब नेक दिली से काम होता है, जब न्यायिक काम होता है तो मन उत्साह से भर जाता है, वो दिखता है। और ये सारे काम मोदी ने आपका कर्ज उतारने के लिए किए हैं। साथियों, मैं आज हिमाचल के लोगों को कांग्रेस और एनडी गठबंधन की एक और साजिश से भी सावधान करने आया हूं। ये लोग, और मानिए ये चुनाव है इसलिए मैं नहीं बोलता हूं दोस्तों, मेरे दिल में एक आग है। ये भारत को तबाह करने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं। और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने, जो हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया। ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए, यानी देंगे ऐसा नहीं, दे दिए। और इस मॉडल पे वो काम करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, इस प्रकार का काम क्या मेरे हिमाचल के लोगों को मंजूर है क्या?
जरा पूरी ताकत से बताइए ना, क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे, ऐसे विचार को स्वीकार करेंगे? ऐसे लोगों का हर पोलिंग बूथ में सफाया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये चुनाव मौका है इनको कहने का, रुक जाओ। ये चुनाव उनको कहने का मौका है, रुक जाओ, बहुत हो चुका, अब हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। दो दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया, कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था, और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया, इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मनाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ में छुरा फोंका। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए, बंगाल के मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर देंगे। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। साथियों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ही कांग्रेस राम मंदिर का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस भाजपा वालों का मजाक उड़ाती, कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमें रोज चुभने वाली बातें करते थे। हमने तारीख भी बताई, समय भी बताया, लेकिन इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आप हिमाचल के लोग मुझे बताइए, जब राम लला भव्य मंदिर में विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने गांव में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? घर में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? हर हिंदुस्तानी खुश हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल की लड़ाई, हमारे सभी पूर्वजों को भी खुशी हुई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है। अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है, वो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे, ये इनकी सोच है। क्या ये होने देंगे क्या? ऐसा अवसर उनको लेने देंगे क्या? और इसलिए हर पोलिंग बूथ में इनकी सफाई करना जरूरी है। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, ये चुनाव के दिन 1 तारीख को आपको मजबूती से करना है, करेंगे? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कोई सोचता नहीं था कि हिमाचल में भी IIIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो
हिमाचल को बल्क ड्रग्स पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है। हिमाचल देश के उन पहले राज्यों में जहां वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। साथियों, मोदी के लिए किसान, गरीब, महिला और युवा का सशक्तिकरण बड़ी प्राथमिकता है। 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ये मोदी की गारंटी है। हमारे किसानों, बागवानों के खाते में भी सम्मान निधि के 6,000 रुपये आते रहेंगे। साथियों, मोदी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ बहनों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। और इनमें मेरे हिमाचल की भी तो हजारों बहनें होगी। मोदी, आपका बिजली बिल याद रखना जरा, मैं ये कांग्रेस वाले गप मार के गए ना, ऐसा नहीं करता हूं। मोदी, आपका बिजली बिल 0, बिजली बिल 0। और इसके लिए एक बड़ी योजना लेकर के अपनी सेवा में हाजिर है। और योजना शुरू होगी, ऐसा नहीं शुरू कर दी, योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इससे आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो बिजली आप पैदा करेंगे वो बिजली बेच करके उसमें से कमाई भी करेंगे। ये कैसे होगा? आपके घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपये देगी, 75,000 रुपीज। आप खुद अपने घर में बिजली पैदा कीजिए, आपकी जरूरत की बिजली मुफ्त में उपयोग कीजिए, अतिरिक्त बिजली जो है वो आप सरकार को बेच दीजिए, कमाई कीजिए। ये मुफ्त बिजली योजना मोदी लेकर के आया। और मैं, मेरे सिरमौर वाले साथी, ये ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग चालू है, आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। ये बात की बात नहीं है, हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। जैसे मोदी ने पहले गारंटियां पूरी की, वैसे ही ये गारंटी भी मोदी पूरी करेगा। उसी प्रकार से साथियों, जो मुफ्त अनाज योजना है, तो मोदी का संकल्प है गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। और इसलिए मुफ्त अनाज योजना अगले 5 साल के लिए चालू रहेगी। साथियों, आपको शिमला लोकसभा सीट से हमारे बहुत निकट साथी भाई सुरेश कश्यप जी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। और सुरेश जी को आप वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा कमल के खाते में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा, सीधा वोट मोदी को मिलेगा। हर गांव जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। कमाल हो यार, सूरज के लिए तो सब जोर से बोल रहे हो, मैंने कहा मेरे लिए करोगे तो ठंडे हो गए। करोगे? ये पॉलिटिकल काम नहीं है, करोगे? चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? मेरा पर्सनल है, करोगे? पक्का करोगे? एक काम कीजिए, देखिए, जब मैं हिमाचल में था
तो गांव गांव भटकता था, लोगों के घर जाता था, मिलता था। अब आप लोगों ने मुझे ऐसा काम में लगा दिया कि मैं सबके पास जा नहीं पाता हूं, मिल नहीं पाता हूं। तो मेरा एक काम ये किया, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और जाकर के कहना कि मोदी जी सिरमौर आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। दूसरा काम, हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारे यहां हर गांव के अपने देवी देवता होते हैं, अपने देवता होते हैं, देवता का आगमन होता है, हर गांव के अंदर पूजा स्थल होता है। आप सब मिलकर के गांव में जाके मेरी तरफ से मत्था टेकना, आशीर्वाद मांगना, देवी देवताओं के आशीर्वाद मांगना, ताकि विकसित भारत का सपना हम जितना जल्द हो सके पूरा कर सके। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।